वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस अलाइड स्कूल होराइजन कैंपस रनाला खुर्द। मेरा नाम शहजाद अहमद है और मैं आप लोगों को बायोलॉजी 9th पढ़ाऊंगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ATP को कैरी किया था, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास ATP। लास्ट टाइम हमने ATP को कुछ पढ़ लिया था, यानी इंट्रोडक्शन कर लिया था, और नेक्स्ट हम इसको फर्दर लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ATP को, ठीक है। ATP आप लोगों को पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। ओके, द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ATP में जो एनर्जी स्टोर होती है या उससे जो रिलीज होती है हमारे डिफरेंट फंक्शंस के लिए, वो कैसे होती है, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहले ये 5-carbon sugar होती है, जिसे हम राइबोज कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोज, ए 5-carbon sugar, ठीक है। फिर इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, जिसे हम एडिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनिन, ठीक है। फिर इसके साथ 3-phosphate group अटैच होता है। क्या? 3-phosphate group, 1, 2, 3, यानी 3 phosphate अटैच होते हैं इसके साथ, ठीक है। तो जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है ATP में, वो बेसिकली इस जगह स्टोर होती है, इस कोवलेंट बॉन्ड में। कहाँ पर? एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, कोवलेंट बॉन्ड में स्टोर होती है एनर्जी, ठीक है। अब देखें, ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला एक टिल्ड की शक्ल में दिखाया गया। ये देखें, कोवलेंट बॉन्ड इज शोन बाय ए टिल्ड, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये देखें ना, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको दिखाया गया टिल्ड के जरिए। अब फॉर एग्जांपल, ये अगर बॉन्ड टूटता है तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, ये वाला। फिर अगर ये टूटता है तो इससे भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो कोवलेंट आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जब ये ब्रेक्स होते हैं तो इनसे एनर्जी होती है रिलीज। तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 kcal/mol। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा सबसे ज़्यादा जो MCQs आता है ATP में से, वो इसका आता है, यानी ATP का एक बॉन्ड टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे पास है 7.3 kcal, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं ATP, ठीक है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कितने फॉस्फेट के बॉन्ड हैं? 3, ठीक है। अगर हम ADP को कहें तो ADP का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कितने अब बॉन्ड हैं? 2, यानी डाई का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। अगर मोनो होगा AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो कितने बॉन्ड होंगे? 1 बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखिए, ट्राई है ना, तो ट्राई जब टूटेगा तो इससे ADP बनेगी। क्या बनेगी? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उससे क्या होगा? 1 phosphate bond निकलेगा, ठीक है, यानी 1 phosphate bond निकल गया। फिर उससे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, ये देखें। अब इसको हम इधर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ट्राई है तो ये 3 bond है। अगर इधर से एक बॉन्ड ऐसे रिलीज होगा, ये बॉन्ड गया, उसमें से क्या निकल रहा है? ये फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? ये वाली एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब हमारे पास डाई बच गया है। अगर ये डाई टूटेगा, ये देखें, अगर डाई टूटेगा तो ये AMP बन जाएगा, उसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये एनर्जी निकली। फॉर एग्जांपल, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हुआ? निकल गया है, ठीक है। और एनर्जी कितनी रिलीज हुई? ये रिलीज। अब क्वेश्चन रेज होता है कि हमने ATP को AMP में कन्वर्ट किया, अगर हमने इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा? फिर वैसे ही हमें क्या नीडेड होंगी? ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए होगा और ये एनर्जी हमें चाहिए होगी। अब देखें, मैं इधर एक कोवलेंट बॉन्ड लगाता हूँ, साथ में ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा दिया, ठीक है। तो हमें एनर्जी कितनी चाहिए थी? इतनी ही एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। फिर एक और कोवलेंट बॉन्ड लगाया तो ये, अब ये क्या बन गई? अब ये दोबारा फिर ATP बन गई। अब ये मैंने ड्रॉ किया है, देखें, अगर हमने ADP से ATP बनाना है, ठीक है, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये एनर्जी चाहिए होगी, तो क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा, ठीक है।
तो ये जो बच्चे एनर्जी है ये वाली, ये हमें कहाँ से मिली है? जब हम एडीपी से एटीपी बनाते हैं, ये हमें ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, यानी जो हम खुराक खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उससे हम क्या बनाते हैं? एटीपी, यानी ऑक्सीडेशन। मैंने पहले समझाया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कि जिससे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज का मतलब यानी हम एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और रिडक्शन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन, यानी एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम? कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब हम इसका कंक्लूजन कर लेते हैं, एटीपी जनरेटेड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एटीपी क्या है? ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एटीपी हमें कहाँ से मिलती है? कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से मिलती है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में क्या हो जाती है? ब्रोकन डाउन हो जाती है, वो कौन सा है? रिडक्शन। तो ये था हमारे पास ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में सनलाइट और क्लोरोफिल, हमें उससे क्या मिलता है? ऑक्सीजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट और ग्लूकोज, दो चीज़ें मिलती हैं हमें, एक ग्लूकोज मिलता है, दूसरा हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने जनरल इक्वेशन इसको इधर ड्रॉ कर दिया। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद क्लोरोफिल है और सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या चार चीज़ें मिल रही हैं हमें, मिल क्या रहा है उससे? एक तो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन मिल रही है, और वाटर जो है एज सच रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी, फिर ये इक्वेशन करनी है, और एमसीक्यूज के लिहाज से ये याद रखना है कि ये प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, सम एल्जी में और सम बैक्टीरिया में ये फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद हम इनटेक ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। अच्छा, मैं जब लेक्चर हमारे हो रहे थे इधर स्कूल में, तो मैं आप लोगों को प्लांट्स में लेकर गया था। ये देखें, हमारे पास एक जनरल प्लांट है गेंडे का, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके लीफ हैं, ठीक है, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ठीक है, और ये रूट्स हैं। तो अब हमने पढ़ना है इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे होता है? जो इनटेक ऑफ वाटर है, इनटेक ऑफ वाटर वो बेसिकली इन रूट्स में होता है। कहाँ पर? इन रूट्स में। अब देखें, ये तो इसकी एक मैं कहते हैं जो मेन रूट है, लेकिन इसके साथ ये छोटी छोटी जो रूट्स हैं, ये वाली क्या है? इनको रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। तो इनके ज़रिए बच्चे क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्ब होता है। वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है इन रूट हेयर्स के ज़रिए, ठीक है। इनटेक का क्या मतलब है? यानी अंदर लेना, ठीक है। तो अंदर क्या ले रहे हैं? इन रूट हेयर्स के जरिए वाटर को, ठीक है। ये होगी हमारे पास वाटर की इनटेक। जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो कहां से अब्सॉर्ब होगी? वो इन लीव्स के जरिए। बच्चे आपको पता है कि लीफ के नीचे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो इन स्टोमेटा से एयर अंदर जाती है, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ठीक है। तो इन एयर इन में जाती है ये बेसिकली। जो हमारे पास, अगर मैं एक लीफ को देखूं तो ये पूरा एक मेसोफिल है। क्या है ये? इसको लीफ लैमिना भी बोलते हैं। ये पूरा एक मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के ज़रिए क्या जा रही है? ये अंदर जा रही है, ठीक है। स्टोमेटा है तो अंदर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कुछ इतनी जगह हमारे पास एयर स्पेस होती है। क्या? एयर स्पेस, यानी खाली जगह। तो सबसे पहले यहाँ पर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये तमाम जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये फिर इनमें क्या हो जाती है? आगे डिफ्यूज़ हो जाती है मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। तो अब आप लोगों को इनटेक का पता चल गया होगा। ये रूट के ज़रिए क्या है? रूट हेयर्स के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये लीफ के ज़रिए, ठीक है, इनके जो बैक साइड है, इन पर स्टोमेटा होते हैं, इनके ज़रिए क्या ऑब्जॉर्व करते हैं हम? सॉरी, प्लांट्स क्या ऑब्जॉर्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की इसमें प्रॉब्लम हो, तो हम जो है ना डिस्कशन में इसको कैरी ऑन कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।